आपने ये वाली चेतावनी खूब देखी और पढ़ी होगी। खुले में पेशाब करने की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है, इसे रोकने के लिए दुनिया भर में कई उपाय किए जा रहे हैं। जर्मनी में इससे बचने के लिए पुरुषों के खड़े होकर यूरिन पास करने पर पाबंदी है, तो वहीं फ्रांस ने अपने यहाँ स्पेशल गमले लगाए हैं जो यूरिन को खाद में बदलकर फूलों के पौधों को पोषण देते हैं। दूसरी ओर लंदन में एक ऐसी दीवार बनाई गई है जहां खड़े होकर यूरिन पास करने पर यूरिन वापस उसी व्यक्ति पर गिरता है। आखिर ये उपाय करने क्यों पड़ रहे हैं और खुले में पेशाब करना किन कारणों से अनैतिक हो जाता है? सबसे पहले एंटी पी बॉल के बारे में जान लेते हैं और ये भी कि लंदन जैसे शहर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लंदन का एक इलाका है सोहो, जहां पब्लिक टॉयलेट को कोविड के दौरान बंद कर दिया गया था, जो उसके बाद से खुला ही नहीं है। ऐसे में यहाँ लोगों ने आसपास की दीवारों को टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। आखिरकार यहाँ के लोगों ने अपने घरों की बाहरी दीवारों पर इंडस्ट्रियल लिक्विड से बना एक स्पेशल पेंट लगवाया है। ये पेंट अपने ऊपर आने वाले किसी भी लिक्विड को अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न कर देता है। इस पेंट को लगाने के बाद दीवारों पर चेतावनी के रूप में एक बोर्ड भी लगाया गया, जिस पर लिखा था, ये दीवार है टॉयलेट नहीं, इस इलाके में एंटी पी दीवारें हैं। पानी के अंदर जाने पर कोई कितना ही यूरिन पास करे, किसी की नजर में नहीं आता और ना ही उस पर किसी तरह का फाइन हो पाता है। यही वजह है कि खुले में पेशाब करने वालों के लिए पब्लिक स्विमिंग पूल पसंदीदा जगह बन गए। 5 साल पहले कनाडा के कुछ पब्लिक स्विमिंग पूल की जांच कराई गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक बड़े आकार के पूल में कम से कम 75 लीटर तक यूरिन मौजूद रहता है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि नमक मजदूरों को पेशाब करने की इजाजत नहीं होती है। समुद्र से या नमकीन झील से नमक बनाने के दौरान नमक के पानी को बड़े बड़े मैदानों में सुखाने के लिए फैलाया जाता है। यहाँ के मजदूरों को काम के दौरान 10 घंटे तक यूरिन पास करने की इजाजत नहीं होती, जिसके चलते नमक के खेतों में मजदूर घंटों बिना पानी पिए काम करते हैं, ताकि उन्हें यूरिन पास करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना ना पड़े। देश के बड़े शहरों को छोड़ दें तो कस्बों और छोटे शहरों में पब्लिक टॉयलेट इतनी संख्या में मौजूद नहीं है कि खुले में यूरिन करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। लेकिन भारत का कानून इमरजेंसी में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के वॉशरूम को इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। सराय एक्ट 1887 की धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी होटल में मुफ्त टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने पर रोकने पर होटल पर 20 रुपए का जुर्माना तक का प्रावधान है। वैसे WHO के मुताबिक शहरों में 100 लोगों की आबादी पर एक पब्लिक टॉयलेट होना जरूरी है।